अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रेशमा। आज मैं आपके साथ फ्रूट क्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आइडियल रेसिपी है, जो बहुत ही ज़बरदस्ती बनती है। ये गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ फ्रूट ले लिए हैं, स्ट्रॉबेरी ले लिया है, सेब ले लिया है, काले अंगूर ले लिए हैं, अनार ले लिया है, केला ले लिया है। आप चाहे कोई से भी फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको छोटे छोटे सा चॉप कर लेंगे, क्योंकि फ्रूट क्रीम में छोटे छोटे से फ्रूट ही अच्छे लगते हैं। यहाँ मैंने एक कप फ्रेश क्रीम ले ली है, आप चाहे तो व्हिप्ड क्रीम भी ले सकते हैं और इसको विस्क कर लेंगे। यहाँ मैंने पैन में बर्फ ले ली है, उसमें नमक डाल दिया है। अब इसके ऊपर क्रीम वाला बाउल रख के उसको विस्क कर लेंगे, जब तक कि क्वांटिटी से दुगनी ना हो जाए और फ्लफी ना हो जाए। अब इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे आधा कप। अगर कंडेंस मिल्क ना हो तो आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये गाढ़ी हो जाए। अब ये 20 मिनट हो गए हैं, अब इसमें फ्रूट ऐड कर देंगे। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये ऑप्शनल है। अब इन सबको मिक्स करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब आधा घंटा हो गया, इसको फ्रिज से निकाल कर सर्व कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी फ्रूट क्रीम बनी है। ये बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है गर्मियों के लिए, और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। और अब इसको फ्रूट से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सी फ्रूट क्रीम हो गई है तैयार। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको देख सकते हैं कितना बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सो ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।